गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें ये किताब मिली, इसमें सारा कुछ लिखा है, गोल्डन कॉइन जो है वो लिखा है, जो नहीं है वो लिख दिया। तो ये गवर्नमेंट के पास जाने, ये ऑनलाइन पे पोर्टल पे चढ़ेगा, वो इसको खोल के हर एक का बचा कर पड़ेगा, उनको पता चलेगा है क्या गोल्डन कार्ड का हमने लिखा है नहीं, वो लिख दिया। इसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार ने इन्हों भेजे सारी स्टेट जी है, इन्होंने खुद अपनी अखी देखी रात इतने रहे, बहुत प्रोग्राम किए करते हूँ दे मसले जी तो इसका यही मकसद है। आप निश्चित रहो ये काम हो जाएंगे आपके, थोड़ा टाइम लग सकता है मगर हो जाएंगे। सारे जानते सारा मीडिया सारे पेपर सारी दुनिया को जम्मू कश्मीर के नई पॉलिसी बनाई है सरकार ने कि बैक टू विलेज मतलब गांव में जाए अफसर साहिबान देखें गांव में क्या प्रॉब्लम है। तो आज कल से ही हमारे पंचायत में हमारे काचू साहब जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से डिस्ट्रिक्ट अफिसर साहब हैं ये आए हुए हैं। तो कल हमने एक पंचायत लेवल पे वहाँ मीटिंग की अपने पंचायत घर में एज पर प्रोग्राम जो भी इनका स्टोर था प्रोग्राम के मुताबिक इन्होंने कहा पंचू से मेरे से सरपंच से काफ़ी लोग उसमें शामिल किए और डिस्कस हुई। तो उसी कड़ी में आज यहाँ दे मुझे थी इस हाल में कम से कम कोई 500-600 लोग इकट्ठे हुए पूरी पंचायत में टूर किया इन्होंने हमारे साथ। टूर करके हमने सारी जो गलियां नाली जो जरूरियात जिंदगी थी जिस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको हमने बताया कि हमारा स्कूल भी बाहर है डिमांड है एरिया लोगों की उसको 10+2 किया जाए, लड़कियों का स्कूल है 8th में उसकी हालत बुरी है उसको 10th तक किया जाए, सड़कों की बुरी हालत है, खाने बिजली की बुरी हालत है, हर तरफ हम मार खा रहे हैं। और ये दूसरी बात ये कि पंचायत का प्लान हमने बनाया 2 महीने पहले तो कभी हमारी ब्लॉक अफिसर साहिबान 3 महीने से जहाँ नहीं है ब्लॉक में पंच सरपंच परेशान हो रहे हैं मतलब तो जो भी दिक्कतें थी वो हम सब दिक्कतें हमने इनको बताया और इन्होंने डायरी में नोट किया। हमें यकीन है कि ये जो सिस्टम शुरू किया है गवर्नर साहब ने ये इसको अगर ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम अगर ग्राउंड सतह पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं सोचता हूँ थोड़े पर स्वागत होगा। तो अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि पंचायतों को सरकार शिकस्त नहीं करना चाहिए जिस तरीके से अपने काचरू साहब ने यहाँ विजिट किया रात को रहे इन्होंने देखा कि मच्छर कैसे खाते हैं इस इलाके में लाइट का कट होता क्या सारी की सारी प्रॉब्लम ने हमने उनकी डायरी में जो डायरी है उसमें डाल दी है। अब ये आगे भेजेंगे आगे देखते हैं कि सरकार इस पर क्या करती है नहीं देखो अगली पर्सनली बात बताऊंगा मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस पंचायत मिले यहाँ का रिस्पॉन्स जो था ओवरवेलमिंग था लोगों ने बड़ी कॉपरेशन की और इनकी कॉपरेशन की वजह से ही हमने जो ये प्रोग्राम था जो इसका एम था वो हम पूरा करने में कामयाब हो गए और हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स यहाँ हैं तो जो प्रोजेक्ट होगी हमारे द्वारा गवर्नमेंट तक पहुँच जाएगी इस पर विचार होगा और हम उम्मीद करते हैं ये हल भी हो जाएगा।